गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम। टुडे वी विल बी गोइंग टू डू अ लेटर विच इज़ रिटन टू अ फ्रेंड हु हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। तो आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। यू आर विजय। सबसे पहले क्या है कि आप विजय हो। यू विल राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड। आप एक लेटर लिखोगे अपने फ्रेंड को हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? तो इन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, एमसी कॉलोनी हिसार। अब ये ना लिख के क्या लिखोगे, यू विल राइट योर ओन एड्रेस। यू विल राइट योर ओन एड्रेस। आफ्टर दैट यू विल राइट टूडेज डेट 20th February 2021। उसके बाद इसने विजय था, इसने अपने फ्रेंड का नाम अजय रखा है। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है? तो डियर अजय। अब क्या हुआ है, विजय ने लेटर लिखा अजय को क्योंकि अजय का एक्सीडेंट हो गया। अब स्टडी करते हैं क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन। एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी में हम क्या लिखेंगे, यू विल आस्क फॉर हिज हेल्थ। आप उसकी हेल्थ के बारे में पूछोगे। सो हम लिखेंगे यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। तुम 1 वीक से स्कूल नहीं आ रहे हो। अ फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी येस्टरडे अबाउट द एक्सीडेंट दैट यू मेट विद। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? हमारा कॉमन फ्रेंड था। आप बोलोगे कि उसने बताया कि तुम्हारा कल एक्सीडेंट हो गया। This news shocked me very much. इस न्यूज ने मुझे बहुत हैरान किया। I believe you were hit when you were trying to cross the road at the zebra crossing. तो मुझे बाद में अच्छे से उन्होंने यकीन दिलाया, बताया कि तुम्हें किसी ने हिट कर दिया जब तुम रोड क्रॉस कर रहे थे जेब्रा क्रॉसिंग पे। This incident proves how careless people drive their vehicles. ये इंसिडेंट प्रूव कर देता है कि कितने केयरलेस हैं लोग जो अपने व्हीकल को रन करते हैं, कि वो जीब्रा क्रॉसिंग पे भी किसी पर्सन को नहीं छोड़ते, उस पर भी हिट कर देते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द ट्रैफिक रूल्स। उन्हें ट्रैफिक रूल्स की कोई परवाह नहीं है। आई होप दैट यू आर नॉट हर्ट टू बैडली। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ज्यादा नहीं लगी होगी। And will be up and about very soon. और तुम बहुत जल्दी हेल्दी हो जाओगे, चलने लगोगे। I shall try to visit you at the earliest. और मैं try करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं तुम्हारे घर आ सकूं, तुमसे मिल सकूं। अब आपने उसको सब कुछ बता दिया, कि उससे ये भी पूछ लिया कि तुम स्कूल में नहीं आ रहे 1 वीक से, और मेरे फ्रेंड ने फिर मुझे बताया। आपने पूरी स्टोरी बता दी उसको कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, किस तरह से हुआ। फिर आपने थोड़ा सा उस बात को एक्सप्लेन किया कि लोग अपने व्हीकल्स का ध्यान नहीं रखते, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान नहीं रखते। उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी आ सको, तुमसे मिलने। अब हम एंड कैसे करेंगे, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ, एंड टेक केयर, योर लविंग फ्रेंड विजय। अब जो पेपर में नाम दिया होगा ना क्वेश्चन में, आप वही लिखोगे, ठीक है? अपना नेम नहीं लिखोगे, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में नेम दिया होगा वही लिखोगे, ठीक है? तो आप इस लेटर को, जो फ्रेंड को लिखना है, आप इस लेटर को क्या करोगे, अपनी नोटबुक में आज राइट करोगे, ठीक है? तो आज आपका यही होमवर्क है, दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, ठीक है? लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट इन योर नोटबुक, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।